हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि 3 साल पहले यहाँ पर एक भर्ती प्रक्रिया थी जो कि रोक दी गई थी, वो यहाँ पर अब दोबारा से बहाल कर दी गई है और यहाँ पर अब नई वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो ऑफिशियली नोटिस जारी करके रेलवे ने ये बताया है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से RBI रेलवे बोर्ड का नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है 6 तारीख की डेट में, जिसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि जनरल मैनेजर को सभी जनरल मैनेजर और आपके ऑल जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को भेजा गया, चेयरमैन RRBs को भी। तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है कि रिस्टोरिंग आपकी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC। तो दोस्तों, पहले क्या रहता था, 3 साल पहले आपकी SSC की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती थी आपकी डायरेक्ट RRB के थ्रू, तो उसके अंदर लेवल 7 की भर्ती होती थी। BTech वाले छात्र इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहते थे, तो एक डायरेक्ट यहाँ पर इस पोस्ट पर जाने का मौका था। पर लगभग 3 साल पहले यहाँ पर रेलवे ने एक नोटिस जारी करके इसमें रोक लगा दी थी कि इस SSC पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, उनको प्रमोशन के थ्रू ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया है रेलवे के द्वारा, यही इस चीज़ के अंदर यहाँ पर द डिसीजन हैज़ सिंस बीन रिव्यूड एंड इट विल बी डिसाइडेड टू रिज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि वो जो डिसीजन लिया गया था रोक का, उसको यहाँ पर दोबारा से रिव्यू किया गया है और रिव्यू के बाद में फैसला किया गया है कि अब इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है, जो यहाँ पर BTech या इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं उनको डायरेक्ट SSC पर जाने का मौका मिलेगा। इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ JEE पर जा सकते थे, JEE पर जाने के बाद में उनका प्रमोशन होता था, डिपार्टमेंटली प्रमोशन, जो कि 7-8, 10-15 साल में होता था SSC की पोस्ट पर। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट SSC की पोस्ट पर जाएंगे, जिससे आगे उनके यहाँ पर गजेटेड ग्रुप में जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखते हैं जॉब के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू भी। यहाँ पर वैकेंसी आती है ग्रुप बी में जाने की, तो उसमें वो जा सकते हैं, उनके पास ये यहाँ पर अच्छा मौका रहेगा क्योंकि पूरी सर्विस उनके पास रहेगी ग्रुप बी में जाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है रेलवे की तरफ से जो निकल कर आ रही है फिलहाल के लिए। जो भी आपके BTech वाले छात्र हैं, तो जल्दी आपको SSE की जो ये रिक्रूटमेंट है ये देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पर नहीं आई है, तो वैकेंसी ऑब्वियसली है, खाली यहाँ पर वैकेंसी है। तो जैसे ही कोई और ऑफिशियली अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, टाइम में आ रहे हैं डाउट, तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का हो या फिर CBSE UP बिहार महाराष्ट्र राजस्थान बोर्ड का हो या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की या फिर IIT JEE नीट मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो, तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही है 6 से 12 तक की क्लासेस IIT नीट की ऑनलाइन क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए।